नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सीबीएसई जो हमारी क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.5 हमने फिलहाल ही में कंप्लीट करी है पूरी की पूरी, और अब हम एक्सरसाइज 5.6 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसको समझेंगे ताकि एक्सरसाइज 5.6 को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो जो हमारा नया टॉपिक है वो आता है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि अब आपको जो फंक्शन दे रखे होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर होंगे, और आप उनका क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, यानी कि dy अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो यही हम सीखेंगे आज इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन मेन आपको यही है कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म है अगर उसके अंदर फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब आप ये सोच रहे हो कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है उसको समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो पैरामीटर होता है उसका मतलब क्या होता है। आपको कोई भी जो फंक्शन दे रखा होता है वो, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू करके कोई फंक्शन दे दिया होगा, y इज इक्वल टू करके कोई फंक्शन दे दिया होगा। अब ये आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, अब आपको क्या करके देंगे कि ये दोनों जो वेरिएबल होंगे ये सेपरेटली, यानी कि इसके फंक्शन में और इसके फंक्शन में, एक तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड होंगे। यानी कि ये जो दो वेरिएबल हैं इनका अलग अलग, ये अलग से क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे आपके तीसरे वेरिएबल के ऊपर। यानी कि x के साथ कोई रिलेशन होगा तीसरे वाले वेरिएबल का, y के साथ एक रिलेशन होगा उस तीसरे वेरिएबल का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं t एक ऐसा एक नया वेरिएबल है जिसका जो रिलेशन है वो क्या है, x के साथ भी और y के साथ भी है। तो ये जो नया आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है जिसका जो रिलेशन है हमारे बाकी दोनों वेरिएबल के साथ होगा, आप उसको पैरामीटर कहेंगे। यानी एक लिंक जो फॉर्म की है हमारे t वेरिएबल ने x और y के साथ, उसी वेरिएबल को आप कहोगे पैरामीटर, ठीक है। और जो भी फंक्शन इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे कि जो दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे वो तीसरे किसी वेरिएबल से लिंक होंगे, उस फॉर्म के अंदर जो फंक्शन दे रखे होंगे आप उनको पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर मानेंगे, और वो जो फंक्शन होंगे उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि उनके जो dy अपॉन dx की वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। लिंक ऑफ थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल, यानी कि क्या होता है, दो वेरिएबल दे रखे होंगे, तीसरा एक नया वेरिएबल होगा जिसका लिंक होगा इन दोनों वेरिएबल के साथ में, उस जो थर्ड वेरिएबल है उस तीसरे वेरिएबल को आप पैरामीटर कहते हैं। और कोई भी फंक्शन इस तरीके से दे रखे होंगे कि दो वेरिएबल होंगे उनको एक फंक्शन के रूप में दे रखा होगा, और वो जो फंक्शन होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं वो तीसरा वेरिएबल प्रेजेंट होगा, और उस जो तीसरा वेरिएबल होगा, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसका जो लिंक होगा वो किसके साथ होगा, पहले वाले दोनों वेरिएबल के साथ होगा। तो इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन समझते हैं। A relation expressed between two variables x and y in the form x is equal to function which is in the form of t variable and y which is in the form of t variable here also it is present in the gt, ठीक है। यानी कि g एक function है जो किस form में है, आपके t variable के form में present है, is said to be parametric form with t as a parameter। यानी कि आपको दो variable दे रखे होंगे x और y, इस तरीके से दो variable हैं और आपको इनके equal एक function दे रखा है, यानी इनकी specific एक function के रूप में value दे रखी है, और वो जो value दे रखी होगी उसके अंदर एक नया आपके पास parameter होगा, एक नया variable होगा जो यहाँ पे t present है। जैसे कि ये फंक्शन, जैसे एफ एक्स हम बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था, एक्स था। इसी तरीके से एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, अगर ये एफ ऑफ टी हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है वो क्या है, टी है दोनों समय। तो दोनों समय ये मतलब यहाँ पे एक बात ये याद रखनी कि दोनों में क्या होगा, सेम आपके पास एक तीसरा वेरिएबल होगा जिसका लिंक वाई के साथ भी और एक्स के साथ भी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शन दे रखे होंगे वो किस फॉर्म में दे रखे होंगे, उसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, और जहाँ पे ये जो तीसरा वेरिएबल होगा आप उसको पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने ये तो समझ लिया पैरामीटर क्या होता है और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसका dy अपॉन जो dx होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही तो मेन यहाँ पे फोकस है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे x एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, y एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, और आपको इस तरीके से ये क्या दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे dy अपॉन dx जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, देखो यहाँ से समझते हैं, जैसे यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है a cos थीटा और यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है a sin थीटा, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको dy अपॉन में dx चाहिए। आप देख सकते हो सीधा तो भाई आपको यहाँ से मिलने वाला है नहीं, अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर देते हो, यहाँ पे थीटा जो आपको दे रखा है वो क्या, एक नया वेरिएबल है जो दोनों से लिंक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन जो हमारे थीटा है उसको लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम यहाँ पे, तो dx अपॉन d थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा,
कॉस का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी आपके थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी जो डी थीटा है उसकी वैल्यू ए कॉस थीटा आ जाएगी, क्योंकि जो साइन थीटा होता है इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अगर आप क्या करते हैं डी वाई अपॉन में डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स अपॉन में डी थीटा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पेपर में कैंसिल करके नहीं दिखाने, हम जानते हैं कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, ताकि हमें डी वाई अपॉन जो डी एक्स है उसकी वैल्यू मिल सके। तो इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। हमेशा ये याद रखना है कि ऊपर क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने भी यहाँ पे जो माइनस वाले साइन था वो लिख दिया था, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था। अब लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डी वाई अपॉन जो डी थीटा है, क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले जो वाई वाला डेरिवेटिव है वो लिखेंगे, और डिवाइड में एक्स वाले डेरिवेटिव को करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आई है, और उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं ए और जो ए वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चल रहा है, माइनस का चल रहा है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन जो डी एक्स है, यानी कि जो डेरिवेटिव था गिवन फंक्शन का, वो कितना है, माइनस में कॉट थीटा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, कोई भी एक तरीके से एक आप कह सकते हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो ऑलरेडी आपको पता है ना। तो यहाँ पे एक नोट करने लायक क्या बात है वो मैं बता देती हूँ आपको, ये एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है पूरा इंट्रोडक्शन, आपकी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है पूरा लेक्चर भी, और वहीं से मैंने ये सारी लिखी हुई है। बस आपको समझाना है मेरा काम और आपको समझना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर एक ही पूरी वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट करेंगे। तो नोट ये है कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स होगा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ओनली विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द मेन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जो आपकी डी वाई अपॉन जो डी एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पैरामीटर के फॉर्म में आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर था वो क्या था, थीटा था, ठीक है। थीटा जो था वो यहाँ पे एक पैरामीटर था, तो आप देखोगे जो लास्ट वाला आंसर आएगा वो पैरामीटर के फॉर्म में आएगा। अब ये जो आपका थीटा था ये किसके से लिंक करा था, एक्स से और वाई से, तो जो लास्ट का आंसर आएगा यानी जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ इस फॉर्म में आएगा, इन दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनकी मदद से ये वैल्यू आने वाली है, यानी इनकी मदद से जो फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगा, पैरामीटर इंक्लूडेड होगा, जो मेन वेरिएबल्स हैं आपके एक्स और वाई उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो डी वाई अपॉन जो डी एक्स इसके अंदर थीटा तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्स और वाई प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यानी कि पैरामीटर के फॉर्म में ही आपका डी वाई अपॉन जो डी एक्स है वो आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन, मेन आपका पैरामेट्रिक जो फॉर्म होगा उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, यही फोकस रहेगा एक्सरसाइज 5.6 के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।